भाई क्या देख रहे हो मेरी फोटो? दे पूरा फोन टूट गया। भाई इसको दीने नहीं, आपने इंडिकेटर दिया यार, नॉर्मल सी बात है भाई। मेरी यहाँ से आगे एकदम भाई अगर उरा होती तो मैं मंदिर आग तो यार दादा तू क्या की। ओबी आज तू कर दे मेरी ब्लॉग की शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस 12 बज चुके हैं एंड अभी लेट उठा हूं बिकॉज आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था ना, सुबह मॉर्निंग के 4 बजे तक मैंने यहाँ पे बैठ के भी नहीं बल्कि खड़ा होके वॉइस ओवर शूट कराया अपना जो पूरा था ना, और वो तो कंप्लीट हो गया है। मैं 3 घंटे लग गया अप्रोक्स ना पूरे। तो बस अभी ना वीडियोस वगैरह शूट करनी है और यार अभी लोकेशंस वगैरह भी ढूंढनी है, कहाँ कहाँ पे शूट करनी है सारी चीज़ें, थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि दिमाग की चीज़ है ये वाली वीडियो ना। बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ, दिल छू जाएगी सीरियसली। जिस हिसाब से मैंने नोट्स लिखे ना, जिस हिसाब से मैंने स्क्रिप्ट रेडी करी है उस हिसाब से, और 2 पार्ट्स में निकालेंगे इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। थोड़ा टाइम लगेगा आने में बट जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे बिकॉज यार थोड़ा सा आपको पता ही है मेरा शेड्यूल पूरा टाइट है। मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना और फिर व्लॉग्स वगैरह भी शूट करना और बाकी एक दो चीज़ और है। चलें चलो भाई, ओ भी बाय बाय, आने के लिए नहीं बोला साथ में, बोला बाय बाय। कूची कूची इसके टायर की आवा गई यार, इसको दिखाना पड़ेगा आज। टोटका कर दिया किसी ने हमारे। पापा भी कह रहे थे कोई निकाल के तो नहीं जाता है बच्चा, पापा के स्कूटर का भी निकली रहती है आवा। आज भंडारा नहीं है यहाँ पे, कल भंडारा था। लो गाइज केदारनाथ का प्रसाद खा लो। गाइज मम्मी के ना स्टाफ से एक भैया हैं वो गए थे एंड ये देखिए रुद्राक्ष भी आया इसमें ना प्रसाद में, रख लो इसको अलग रख लेते हैं। इस भाई एक और चीज़ लेके आया मम्मी के लिए, कह रहे मैम आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ये लो पहन लो। तो गाइज अभी ना हम लोग आ गए हैं एंड आज मम्मी का जी ख़राब हो रहा है, मम्मी खिलाएंगे आइसक्रीम। अरे पुलिस वाले अंकल, पुलिस वाले तो नहीं है ऐसे ही लिखवा रखा है, ये खिलाऊंगा आपको मस्त एकदम। भाई एक बार ये देना मेन्यू प्लीज प्लीज प्लीज। ये लो भाई कितने की है? 30 रुपये की है भैया। ये लो भाई है सही है, ठीक है थैंक यू भाई। सही है टेस्ट अच्छा, मतलब ये मत कहो यार आप। गाइस मम्मी का ना इंजेक्शन और उनसे ना थोड़ा टेस्ट वेस्ट खराब हो जाता है मुंह का ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो होता है ये 1-2 दिन के लिए होता है जब इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना। तो गाइस अभी ना घर पे पहुंच गए एंड भाई केदारनाथ से हमारे लिए गंगा जल भी लेके आया है। यू कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वहां से टॉप से एकदम। भाई तू 24 घंटे तो नींद में रहता है, तू क्या स्विमिंग करने जाएगा? अब जल्दी तैयार हो, चल फटाफट चल। अभी ना हम दोनों भाई स्विमिंग करने आ गए एंड गाइस आज से ना हमारे भतीजा भतीजी भी स्विमिंग करेंगे साथ में। आपने देखा होगा ना हर्ष भाई, तू पहले छींक ले पहले, और तो बाकी सारी बातें बाद में हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि आए थे घर पे भी, तो भाई पूछ रहे थे तो उनका भी एडमिशन करवा दिया है, तो आज वो आएंगे। अभी फोन आया था उनका, मिलवाता हूँ अभी, चलते हैं गाइस। क्या क्या है भाई बताइयो? तो गाइस अभी ना हम यहाँ पे बैठ के ना भाई का वेट कर रहे थे, बकरियों को देख के पता क्या कह रहा है? यू कह रहा है मिंगन गैंग आ गई, क्योंकि ये मिंगन करते हैं ना। तू भी कर लिया कर भाई, तू भी मिंगन कर लिया कर। मिंगन होते ही नहीं हमसे हमसे तो इसको टर्न करते कह रहा है बताइयो, कह रहा है यू कह रहा है इसको ना ट्रिम कर देना, नहीं तो वरना स्कूल में मेरा नाम मिंगण निकाल देंगे। फॉलो करे आज तो। ओए सुन तो, मजे करने वाले हो अब तो तुम। गाइस मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ स्क्रिप्ट वीडियो उसके अंदर इसको लेंगे, इसको डालेंगे, इससे पहले पूछेंगे भाई साहब आएगा कि नहीं। भाई तू हमारी वीडियो में काम करेगा? नहीं को पैसा बर्बाद, चॉकलेट दूंगा अच्छी महीने का 1.5 लाख। आई एम सॉरी बाबू। ओए चड्डी चड्डी पड्डी गाइस दोनों के दोनों। एक यार वो हमारे लड़कों की भी ड्रेस होनी चाहिए, इतने दिख गया भाई तू अब माँ जी देखेगी तेरे को। गाइज आज तो ना इन बच्चों के साथ में मजे आ गए एंड अभी ये नए नए हैं तो थोड़ा सा डर रहे थे, आज इनका डर खोला है मैंने।
मैं इनको ना ऐसे पकड़ के ले गया बीच में वाला, आ जाओ भाई आज करेंगे, अब कल देखते हैं, कल तुमको नई चीज सिखाएंगे। ये देखना गाइस, ये वाओ नाइस भाई, पूरा जिला लेके चल रहा है भाई बाइक के ऊपर। भाई हैप्पी बर्थडे भैया, कल था बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। ये क्या, ये गिफ्ट में मिली है तेरे को? हां वो भी रेन नहीं दिए, वो कह रहे भाई मेरे को इसी से तो दिखा, तो मैं सूट देता हूं ना, किसको सूटना है पता, पहले मैं सूट दे दूं तेरे को, सूटना है गुरु देख के गए। ये ले भाई तेरा गिफ्ट, अपने प्यार से रख। तो गाइस अभी ना भाई के पास आ गया हूं, फाइनली गाड़ी के पंचर मिल गए, और वो भी दो, एक नहीं दो दिखाऊं, भाई दिखाएगा। ये देखना कहाँ पे पिंचर है यार, यहाँ कहाँ कील गई है, ये देखो ये उठ रहा है यहाँ पे बबल, और एक यहाँ पे पता नहीं है, ये एक ही रहा, एक यहाँ पे दो पिंचर। शुक्र है एक तो भड़क कम हुई लाइफ में से, मेरे को समझ भी नहीं आती क्या दिक्कत हो रही है, पिंचर बार बार हो रहा है। आज कहीं जाके पता चला दो पिंचर थे, और वो भी छोटे छोटे। पूरा फोन टूट गया, भाई आ जाओ भाई, भाई इसको धीरे नहीं, आपने इंडिकेटर दिया यार, नॉर्मल सी बात है भाई। तो गाइस अभी ना भाई जा रहे थे ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे ना ये भाई इधर की तरफ थे, उन भाई साहब ने बिना इंडिकेटर के इधर मोड़ दी, भाई थूक गई हमने। एक मिनट भाई, खुदा के नहीं मारी इसने, ये बिल्कुल अपने जगह पे चल रहा है लेफ्ट साइड में, इसकी लेन बिल्कुल सही थी, आप उधर से इधर घुसाई आपने गाड़ी, मुझे इधर मोड़ना था, मगर हम इतनी कोई मैं इतनी तेज नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ से एकदम आराम से ले। अरे तेज होता तो भाई साहब खत्म ही हो जाता ये तेज होता तो, लेकिन आपको देखना चाहिए, अगर इंडिकेटर नहीं दे रहे कम से कम शीशा तो देख लो यार। भाई साहब मैं शीशा में देख रहा हूँ, अरे भाई शीशा में देख रहे होते तो हम भाई देखो, आप इस चीज को मानो ना मानो भाई, भाई रुक जा एक मिनट, रुक जा भाई, गलती आपकी है भाई। मेरी भाई कैसी गलती यार, तो मेरी गलती है नहीं, आप तो आपकी यहाँ गाड़ी खड़ी ठीक है, मेरी यहाँ से आगे भाई अगर उड़ा होती तो मैं मंदिर आ तो यार दादा तू क्या की भाई, ये भाई अपनी बहुत सही लेन, भैया आप नॉर्मल सी बात है, टू व्हीलर वाले हो, आपकी लेन कौन सी है, लेफ्ट लाइन पे चलोगे ना भाई, इसकी लाइन बिल्कुल सही है, आपने राइट लेन से इधर काटी है गाड़ी, भी नहीं बिल्कुल राइट में नहीं मारी, बिल्कुल राइट से नहीं काटी, बिल्कुल भी नहीं काटी। ओ दादा तेरी बात अगर वो होती ठीक से, तेरी बात मान ली, मैं उस साइड मत ले, अगर तू कुरान मोड़ तो मैं मेरी पीछे होती ना गाड़ी, अगर तू इस साइड से भाई आपने एकदम से मोड़ी है, मैं भी देख रहा हूँ ये, बस जब भी मैं निकल के आया हूँ गाड़ी में से ना, मैं आता ही नहीं भाई, एकदम से ना मोड़ी। अरे यार ना रहे हो, नॉर्मल सी बात है भाई, अगर मोड़ भी दी कोई दिक्कत नहीं, इंडिकेटर तो देना चाहिए था यार, सबसे मेन गलती आई समझा के यार भाई, हम बता यार बिना इंडिकेटर के मोड़ रहे हो गाड़ी, इस भाई ने भाई इसका अभी एक बार देखियो, ये फोन देखियो कंपनी के ऑर्डर पे जा रहा था क्या, हां ऑर्डर रखो है मेरे पास, अभी देख लो अब इसका फोन देखियो भाई, यार अब बता कैसे देता हूं भाई, चीज को कुछ नहीं हो सके। और बात बताऊं भाई, खाली फोल्डर टूटने की बात नहीं है, फोन ही डैमेज हो गया, फोन डैमेज हो पूरा 20,000 का, मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं यार दादा, किसकी गाड़ी है ये, गाड़ी किसकी है, अब मालिक को बुला लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मालिक को बुला, जिसकी गाड़ी है ना भाई, एक फोन नंबर, हां भाई इसके मालिक से बात हुई है, वो ये कह रहे भाई मैं कल ठीक करवा दूंगा, अगर ये कल नहीं करवाते ना भाई, आप बेशक पुलिस केस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अरे मेरी नहीं भाई, वो है गाड़ी भाई, मैं कह रहा हूँ फोटो खिंचवा दे बस खत्म बात, फोटो देख के अपनी आरसी को ले जा, नहीं रखने तेरी आरसी को, एक आपकी वो देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो तो भाई आरसी फोटो ले भाई, क्या देख रहे हो मेरी फोटो दे। अभी ना मेरे पास में ना एकदम अचानक से अंकित का फोन आया, तो मैंने ना जस्ट उसके फोन को रिसीव करने के लिए गाड़ी को लेफ्ट साइड में लगा के और हैंड ब्रेक खींच के खड़ा कर दिया था, और हैजार्ड लैंप्स मैंने ऐसे जैसे ये लगा रखे हैं, मैंने ऐसे ऑन कर रखे थे, तो भाई साहब एक जोमेटो वाले आ रहे थे भैया, और उसके साथ में ना एक वो पिकअप वाले जो होते हैं ना वो आ रहे थे, तो यार उन पिकअप वाले भाई साहब ने क्या करा, बिना साइड में देखे और बिना इंडिकेटर के एकदम पिकअप मोड़ दी यार, वो तो शुक्र है कि मैं वहाँ पे साइड में जस्ट खड़ा ही था, वो जैसे ही पिकअप ने बाइक को हिट करा ना जोमेटो वाली बाइक को, और वो एकदम से बाइक वाले भैया मेरी गाड़ी के ऊपर आके पड़ गए, वो बच गए मेरी गाड़ी की वजह से, एकदम यहाँ पे ना बोनट के ऊपर गिर गए। फिर उसके बाद पता क्या सीन हुआ, वो भाई नीचे गिर गए, उनकी बाइक गिर गई थी पूरी, उनका फोन वोन सब टूट गया, टूटने के बाद जैसे ही वो भाई खड़े हुए मैंने देखा डिस्प्ले टूटी होगी, पर देखा तो पूरा फोन ही बैंड हो गया था, पूरा बैटरी सब टूट गया था, और फिर मैंने उसको पिकअप वाले भाई को साइड में लगवा के रुकवाया, मैं बोला भाई ये क्या कर दिया तूने, बिना इंडिकेटर के आप ले जाने लग रहे हो। पहले तो वो चुप रहे, फिर एक अंकल आ गए, अंकल बोले कि कोई नहीं गरीब है कोई नहीं है ऐसे ऐसे करके, तो मैं बोला अंकल वो तो चलो आपकी बातें सारी ठीक है, कोई नहीं ड्राइवर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट इंडिकेटर तो दे देते, और एकदम से मोड़ने की क्या जरूरत थी, एकदम से इधर उसमें मार दी। फिर जैसे ही वो अंकल ने उस बंदे की सपोर्ट करी ना, वो बंदा एकदम से हवा में चढ़ गया,
उस बंदे ने मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा दिया, कह रहे ये भैया यहाँ पे खड़े थे, इनकी गाड़ी के ऊपर ये भैया गिर गए जोमेटो वाले, और उनका चला गया फोन नीचे, और फोन नीचे जाने की वजह इनकी गाड़ी के नीचे आ गया। अरे मैं भाई साहब मेरी गाड़ी तो खड़ी है, पता नहीं गाइस ऐसी है ना, और वीडियो बनाने लग गए। मैं बोला यार क्या वीडियो बना, लो मैं बनाता हूँ वीडियो और मैं डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो फिर उसके बाद नॉर्मल सी फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने उनको बोला आप छोड़ो आप अपनी बातें, आप तो ड्राइवर हो, आप अपने ट्रांसपोर्टर के नंबर दे दो, क्योंकि यार जोमेटो वाले भाई का भी नुकसान हो गया था काफी, बिकॉज पूरा फोन डैमेज हो गया था, 15-16 हज़ार का फोन था उनका, वो पूरा फोन डैमेज हो गया था। फिर मैंने उनके ट्रांसपोर्टर से बात करी, वो ट्रांसपोर्टर भाई बोल रहे थे वो कहीं यहाँ आसपास 50 किलोमीटर दूर के हैं, तो वो कह रहे थे कि ये मैं आपको ना कल ठीक करवा दूंगा फोन वगैरह रिपेयर ऐसे करके। फिर अब वो भाई मान नहीं रहे थे, कह रहे थे कल तो कभी आएगा ही नहीं, वो फोन नहीं उठाएंगे। अब गाइज विश्वास तो करना पड़ता है ना किसी के ऊपर, तो हमने विश्वास करके उस ड्राइवर भाई को भेज दिया। फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत ऐसे ही रशा हो गया आपस में उनका, वो लड़ाई झगड़ा करने लग गया। फिर हम ऐसे ही, मैं बोला यार छोड़ो यार क्यों लड़ रहे हो, कोई नहीं कल हो जाएगा फोन ठीक, नहीं होता है तो आप इनकी गाड़ी की आरसी की फोटो रख लो, कोई दिक्कत होती है तो वीडियोस वगैरह बना लो अपने प्रूफ में रखना। तो बस ऐसे करके उनका सुलझेड़ा करवाया, जब कहीं जाके अब मैं आया। तो गाइस अभी ना मैं उनका सुलझेड़ा वगैरह सब करवा के घर पे पहुंच गया, एंड यहाँ पे ये बिरेन तो भाई सब सो ही गया, आजकल बहुत ज्यादा थक जाता है ये। ओए अभी भाई सही से सो जा यार, उधर मुंह करके सोना यार, इधर क्यों सो रहा है। तो गाइस अभी ना हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए धीरू बीरू ब्लॉग्स, राधे राधे। एंड गाइस थोड़ा सा रोड पे देख के चला करो, अगर आप इधर उधर मुड़ रहे हो इंडिकेटर दिया करो प्रॉपर तरीके से, एंड रोड पे चलते हुए आपकी जो निगाह है ना वो रोड पे ही रखा करो, इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। गाइस यहाँ पे ना ये ब्लैक पोमेरियन जा रही है, मैं बीरेन को कह रहा हूँ ऐसे चल के दिखाइयो, चल के दिखाना भाई, चल के दिखाना एक बार ऐसे करके दिखाना, नहीं ये चलिए चलिए अभी चल के दिखाना एक बार भाई, भाई एक बार ऐसे चल के दिखा, क्या चल रहा है वो, नहीं भाई भाई नहीं है,